चैनल पे स्वागत है जेब्रोनिक जेब ड्यूक का। आज मैं फुल रिव्यू कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं पूरा आपको बताऊंगा इसकी क्या चीज़ें हैं, क्या आपको लेना चाहिए। 850 रुपये का इसका प्राइस है, अभी भी अवेलेबल है। इसका खास बात यह है कि इसके अंदर जो है ना, इसका जो लुक है वो हिसाब से हर किसी को लगता है। इसका साउंड बहुत ही बढ़िया होगा, तो साउंड के लिए, तो अगर आप साउंड के लिए लेना चाहते हो तो क्या आपको ये लेना चाहिए, या फिर इसके अल्टरनेटिव में आपको कोई और भी आपको मिलता तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगा। तो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। पर बिल्ड क्वालिटी से मैं आपको बोलूँ, बिल्कुल भी आपको शिकायत नहीं होने वाली। हाँ, इसका वेट थोड़ा सा है बिकॉज़ ये हेडफोन है, तो वो आपको एक देखना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो साउंड क्वालिटी में लगभग बोलूँगा जो मैंने इसके पहले किया था बैंग का, जेब्रोनिक का, बिल्कुल उसी के तरह इसका साउंड है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी की, तो बैटरी चलता है इसके अंदर कम से कम तो भी आपका आधा दिन जाएगा। अगर आप फुल यूज़ अगर आप इसे कर रहे हो तो, हैवी यूज़ अगर आप इसे कर रहे हो तो आधा दिन जाएगा। बैटरी को चार्ज करने के लिए 1.5 घंटे लगते। तो अब एक चीज़ बच जाता है, कॉल। अब इसमें कॉल आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कॉल के लिए अगर आप ये ले रहे हो तो मैं बोलूँगा कि मत लो फिर ये। कॉल के लिए आप, अगर आपका मेन प्रायोरिटी कॉल भी है तो आप इसे मत लो ना, क्योंकि पिकअप करने के लिए आपको फ़ोन से रिसीव करना पड़ेगा। और फ़ोन से जब आप रिसीव करोगे तो फिर बाद में आपका दोनों कान बंद होगा, आपको बाहर का कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। तो ऐसे में आप बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ उसका आने लगेगा कान में, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब पता नहीं, मेरे को तो दिक्कत होता है। इस वजह से मैं कॉल के लिए तो मैं इसको लेता नहीं हूँ, लूँगा नहीं साउंड के लिए। तो अगर आप मुझे पूछोगे कि ओवरऑल क्या मुझे ये जो जेब्रोनिक का जेब ड्यूक है क्या है, मेरे को लेना चाहिए, क्या ये सही में साउंड क्वालिटी के वाइज, तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा मैं तो नहीं खरीदूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं कह सकता क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से इसे खरीद चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छा रिव्यू दिया है। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ साउंड क्वालिटी इसका अच्छा है, लेकिन फिर भी इससे भी अच्छा अगर आप साउंड क्वालिटी चाहते हो तो और भी बहुत सारे एयरफोन है, UNI लॉर्ड सीरीज, जो कि इससे भी कम प्राइस में आपको मिलते हैं, तो वो भी आप एक ट्राई कर सकते हो। तो मैं होता तो मैं ये डेफिनेटली, मेरा तो ये रिकमेंडेशन है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप इसे चाहिए तो ले भी सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आप एक ट्राई मारना चाहते हो तो UNI या फिर UNI लॉर्ड सीरीज़ की तरफ आप जा सकते हो। उसमें आपको बैटरी भी बहुत अच्छा मिलता है और यहाँ पर आपको उसके अंदर आपको साउंड भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, तो आप वो एक आप ट्राई मार सकते हो, बाकी आपका मर्ज़ी है। इस वीडियो में इतना था। अगर आप वीडियो पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके रखें, बिकॉज आपकी कुछ कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके पूछोगे तो इसी चैनल पे आपको उसका सवाल का जवाब आपको मिलेगा।